एक तरफ जहां पर प्रदेश में सुवासरा विधायक ढंग के इस्तीफे को लेकर सियासत गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ मंदसौर जिले के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल का सिटी कोतवाली पर हंगामा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने थाना प्रभारी शिव कुमार यादव पर शराब के नशे में होने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि वक्त है बदलाव का, जिसके बाद अब और राजनीति गर्मा गई है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। एक मंदसौर का टीआई लोगों को बंद कर देता है, एक सामान्य वे में दो दो घंटे बिठा रखा, गाली गलौज करता है। जब वो विक्रम को ये बात छुड़वाने आया तो दारू पिए हुए था वो टीआई, जब हम सब इकट्ठे हुए तो यहाँ से भाग गया थाना छोड़ कर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बताया जाएगा यहाँ पे कि यादव तो था ही नहीं आज, अभी यहाँ पे यादव था, चश्मदीद छोड़ के भाग के भाग आया टाइम पे। ये गाड़ी खड़ी हुई थाने की, ये मेन्यू प्लेट नहीं होने देंगे। आप गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी भी गई है थाने की, गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। हम कल अगर ऐसा हुआ तो गाड़ियां भर के कहीं जाना पड़ा तो हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे कि ये तो बहुत अति हो गई हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं हो रहा। भाग गया थाना छोड़ के, थाना किसका, सुप्रत छोड़ के भाग गया टीआई। आप ये भेजो कितनी बेशर्म की बात है पुलिस के लिए कि टीआई भाग जाता थाना छोड़ के। किसके हवाले मंदसौर की जनता रहेगी? जो सुरक्षा करने वाले वही भाग रहे हैं थाने छोड़ के, शराब तो क्या होगा उनका? शराब पी के आदर्श आदर्श पी के ड्यूटी कर आदर्श कर रहे हैं। ये ऐसे ही पिए हुए इनकाउंटर कर देते बेचारे लोगों को, गोलियां मार देते नशे में, ऐसी गर्मी चढ़ी हुई रहती इन लोगों को। एसपी साहब को बताओ, कल हम बड़े लोग पे बैठेंगे, वो करेंगे और हम ये कहेंगे कि आप सबका संरक्षण मिल रहा है जिन लोगों का, धरने पे बैठेंगे। फिर ये बात बहुत हाथ से जाएगी, हम कल धरने पे बैठेंगे, आगे करेंगे, बहुत बड़ी बात होगी। हम चाहते हैं केवल, हम चाहते हैं केवल करो वो चले मेडिकल करवा, मेडिकल मेडिकल तो अभी होना चाहिए, मेडिकल अभी होना चाहिए। वो इसीलिए तो भाग गया मेडिकल के नाम पर। अगर शराब नहीं पी होती तो थाना छोड़ के थोड़ी जाता क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।